बच्चों, कनेक्टेड में आपका स्वागत है। बच्चों, आज गणित का पाठ 8 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है राशियों की तुलना। इस पाठ में हम 1. अनुपात एवं प्रतिशत का स्मरण करेंगे। 2. वृद्धि प्रतिशत अथवा कमी प्रतिशत ज्ञात करना सीखेंगे। 3. बट्टा ज्ञात करना। 4. खरीद और बिक्री से संबंधित मूल्य। 5. बिक्री कर और माल और सेवा कर चक्रवृद्धि ब्याज। 6. चक्रवृद्धि ब्याज के लिए सूत्र। 7. दर का वार्षिक एवं अर्धवार्षिक संयोजन। और 8. चक्रवृद्धि ब्याज पे सूत्र का अनुपयोग, यह सीखेंगे। बच्चों, तो सबसे पहले हम अनुपात और प्रतिशत का स्मरण करेंगे। अनुपात का अर्थ दो मात्राओं की तुलना करना होता है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक टोकरी है, उसमें 20 सेब और 5 संतरे हैं। तो संतरे की संख्या का सेब की संख्या से अनुपात 5:20 है। और अब हम इसको 5/20=1/4 लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि 4 की तुलना में 1 है। अगर हम इसका प्रतिशत निकालें तो 5/25×100=20%। इसका मतलब है कि 100% में से 20% संतरे है और 80% सेब है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 1, किसी विद्यालय में कक्षा टप के लिए पिकनिक की योजना बनाई जा रही है। विद्यार्थियों की कुल संख्या का 60% लड़कियां है और इनकी संख्या 18 है। पिकनिक का स्थान विद्यालय से 55 किलोमीटर दूर है और परिवहन कंपनी 12 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से किराया लेती है। अल्पाहार जलपान का कुल खर्च 4,280 रुपये होगा। क्या आप बता सकते हैं? 1. कक्षा में लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात। 2. यदि दो अध्यापक भी कक्षा के साथ पिकनिक पर जा रहे हैं तो प्रति व्यक्ति खर्च। 3. यदि उनका पहला स्टॉप विद्यालय से 22 किलोमीटर की दूरी पर है तो वह कुल 55 किलोमीटर की दूरी का कितने प्रतिशत है और कितने प्रतिशत दूरी तय करना शेष है। बच्चों, प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न हल करके अगली कक्षा में अपने अध्यापक महोदय से चेक कराएं। अब बच्चों, हम वृद्धि प्रतिशत अथवा कमी प्रतिशत का ज्ञात करेंगे। हम इसे उदाहरण सहित पढ़ेंगे। उदाहरण 2, पिछले वर्ष के एक स्कूटर का मूल्य ₹34,000 था। एक वर्ष बाद इसके मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। स्कूटर का नया मूल्य क्या है? तो बच्चों, इसका उत्तर देखते हैं। राशि के अनुसार हमें वृद्धि निकालनी है, तो हम 20/100×34,000=6,800। नया मूल्य निकालने के लिए हम पुराने मूल्य में वृद्धि को जोड़ देंगे। 34,000+6,800=40,800। इसी प्रकार मूल्य में 10% से यथार्थ ह्रास ज्ञात कर और इसे वास्तविक मूल्य में से घटाने पर नया मूल्य होगा। मान लीजिए बिक्री में वृद्धि करने के लिए स्कूटर का मूल्य 5% घटा दिया गया। तब आइए स्कूटर का मूल्य ज्ञात करते हैं। स्कूटर का मूल्य है अभी ₹34,000। मूल्य की कमी है 34,000 का 5%। तो 34,000×5/100=340×5=1,700 रुपये। तो मूल्य की कमी होगी 34,000×1,700=32,300। अब हम बट्टा ज्ञात करेंगे।
किसी वस्तु के अंकित मूल्य में दी जाने वाली छूट को बट्टा कहते हैं। यह सामान्यतः ग्राहकों की खरीदारी के लिए आकर्षित करने के लिए अथवा सामान की बिक्री में वृद्धि करने के लिए दिया जाता है। आप अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाकर बट्टा ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए बट्टा बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इसको समझने के लिए भी हम एक उदाहरण लेंगे। उदाहरण 3, 840 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 714 रुपये में बेची गई। बट्टा और बट्टा प्रतिशत का ज्ञात कीजिए। बच्चों, हम बट्टा निकालते हुए अंकित मूल्य में से बची हुई मूल्य को घटाते हैं। 840 माइनस 714 बराबर 126। 126 रुपये हमारा बट्टा है और बट्टा प्रतिशत निकालने के लिए हम 126 विभाजित 840 गुना 100 बराबर 15%। 15% हमारे बट्टा प्रतिशत है। चलिए बच्चों, अब हम प्रतिशत का आकलन के बारे में जानें। एक दुकान पर आपका बिल रुपये 577.80 है और दुकानदार 15% बट्टा भी प्रदान करता है। आप भुगतान की जाने वाली राशि का आकलन कैसे करेंगे? एक, बिल को 577.8 रुपये की निकटतम दहाई में पूर्णांकित कीजिए, अर्थात 580 रुपये। इसका 10% ज्ञात कीजिए, अर्थात 10 विभाजित 100 गुना 580 रुपये बराबर 98 रुपये। सॉरी बच्चों, 58 रुपये। 3, इसका आधा लीजिए, अर्थात 1 विभाजित 2 गुना 58 बराबर 29। 1, 2 और 3 की राशियों को जोड़िए, जोड़ने पर रुपये 87 प्राप्त होते हैं। इसलिए आप अपने बिल की राशि को 87 रुपये अथवा 85 रुपये कम कर सकते हैं। इस प्रकार बिल की राशि का सन्निकट मान रुपये 495 होगा। 1, इसी बिल राशि का 20% बट्टे से आकलन करने का प्रयास कीजिए। 2, 375 रुपये का 15% ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। बच्चों, अब हम बिक्री और खरीद से संबंधित मूल्य के बारे में पढ़ेंगे। अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा होता है तो हमें लाभ होता है और हम लाभ प्रतिशत निकालते हैं। मगर अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज़्यादा होता है तो हमें हानि होती है और हम हानि प्रतिशत निकालते हैं। हम इसको भी एक उदाहरण से ही समझेंगे। उदाहरण 5, सोहन ने एक पुराना रेफ्रिजरेटर 2500 रुपये में खरीदा। उसने 500 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च किए और 3300 रुपये में बेच दिया। उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उत्तर, क्रय मूल्य 2500 अधिक 500 बराबर 3000। क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए ऊपरी खर्चे जोड़े जाते हैं। विक्रय मूल्य 3300 रुपये। जैसा कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा है, उसे हम 3300 से माइनस करेंगे 3000 बराबर 300 का लाभ हुआ। इसी प्रकार 3000 पर उसे 300 रुपये का लाभ हुआ। 100 रुपये पर उसे कितना लाभ होगा? लाभ बराबर 300 विभाजित 3000 गुना 100 बराबर 10%। उदाहरण 6, दुकानदार ने 200 बल्ब 10 रुपये प्रति के दर पर खरीदे। उसमें से 5 बल्ब खराब थी और उन्हें फेंकना पड़ा। बचे हुए बल्बों को 12 रुपये प्रति दर से बेचना पड़ा। लाभ और हानि बताइए और साथ ही साथ प्रतिशत भी निकालिए। उत्तर, 200 बल्ब का क्रय मूल्य 200 गुना 10 बराबर 2000 रुपये। जो 5 बल्ब खराब निकले उसका 200 माइनस 5 बराबर 195। इन 195 बल्ब को हमने 12 रुपये प्रति दर पर बेचा तो 195 गुना 12 बराबर 2340। जहाँ विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा है और इसलिए लाभ हुआ है, और लाभ निकालने के लिए हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को हटा देते हैं तो 2340 माइनस 2000 बराबर 340। हमें यहाँ 340 रुपये का लाभ हुआ है। हम इसकी लाभ प्रतिशत निकालते हैं। 340 विभाजित 2000 गुना 100 बराबर 17%।
किसी वस्तु की बिक्री पर बिक्री कर सेल्स टैक्स या फिर एसटी सरकार द्वारा वसूला जाता है। यह दुकानदार द्वारा ग्राहक से लिया जाता है और सरकार को दिया जाता है, इसलिए यह हमेशा वस्तु के विक्रय मूल्य पर लगता है और बिल की राशि में जोड़ दिया जाता है। एक अन्य प्रकार का कर है जो वस्तु के मूल्य में वैल्यू एडेड टैक्स या वैट के नाम से जुड़ता है। 1 जुलाई 2017 से भारत सरकार ने जीएसटी लागू किया है, जो माल और सेवा कर का संक्षिप्त रूप है। यह कर माल के आपूर्ति या सेवा या दोनों पर लगाया जाता है। उदाहरण 8, बिक्री कर ज्ञात करना। किसी दुकान पर एक जोड़ी रोलर स्टैक्स यानी पहियों पर घूमने वाला जूता का मूल्य 450 रुपये था। वसूले गए बिक्री कर की दर 5% थी। बिल की देय राशि ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, 100 पर भुगतान किया गया 5 रुपये था, जो कि कर था। 450 रुपये पर भुगतान किए जाने वाला कर होगा 5 / 100 यानी गुना 450 बराबर 22.5। तो बिल की देय राशि हुई क्रय मूल्य अधिक बिक्री कर बराबर 450 अधिक 22.5 बराबर 472.5। उदाहरण 9, वैट। वहीदा ने एक कूलर 10% कर सहित रुपये 3,300 में खरीदा। वैट के जुड़ने से पहले का कूलर का मूल्य ज्ञात कीजिए। उत्तर, मूल्य में वैट भी शामिल है। अंततः 10% वैट का अर्थ है कि यदि वैट रहित मूल्य 100 रुपये होगा तो वैट सहित मूल्य ₹110। अब यदि वैट सहित मूल्य 110 रुपये है तो वास्तविक मूल्य होगा 100 रुपये। अंततः जब कर सहित मूल्य 3,300 रुपये है तो वास्तविक मूल्य होगा 100 / 110 गुना 3,300 यानी कि 3,000 रुपये। उदाहरण 10, सलीम एक वस्तु की खरीदी करता है जो कि 784 रुपये, जिससे 12% जीएसटी है। बिना जीएसटी के वस्तु की कीमत क्या होगी बताइए। मान लीजिए वस्तु का मूल्य बिना जीएसटी 100 रुपये था, अगर उस पर जीएसटी लगाए तो 100 + 12 = 112 हो जाता है। और अगर हम इसकी सही बस मूल्य निकालें तो 100 / 112 × 784 = 700। वस्तु की उचित मूल्य है 700 रुपये। शायद आपको इस प्रकार के कथन मिले होंगे, बैंक में एफडी पर 1 वर्ष का ब्याज 9% वार्षिक की दर से या बचत खाते पर ब्याज की दर 5% वार्षिक। बैंक अथवा डाकघर जैसी संस्थाओं के पास जमा किए धन पर इन संस्थाओं द्वारा भुगतान किया जाता है। अतिरिक्त धन ब्याज कहलाता है। जब व्यक्ति धन उधार लेते हैं तो उनके द्वारा भी ब्याज का भुगतान दिया जाता है। हम साधारण ब्याज का परिकलन करना पहले से ही जानते हैं। उदाहरण 10, ₹10,000 की राशि 15% वार्षिक ब्याज पर 2 वर्ष के लिए उधार ली जाती है। इस राशि पर साधारण ब्याज और 2 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। उत्तर, ₹100 पर 1 वर्ष के लिए देय ब्याज होगा ₹15। तो इसीलिए 10,000 का 1 वर्ष का ब्याज 15 / 100 × 10,000 = 1,500। 2 वर्ष का ब्याज 1,500 × 2 = 3,000। 2 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि बराबर मूलधन अधिक ब्याज यानी कि 10,000 अधिक 3,000 यानी कि 13,000 रुपये। सामान्यतः लिया जाने वाला अथवा भुगतान किए जाने वाला ब्याज कभी साधारण नहीं होता। ब्याज का परिकलन पिछले वर्ष की राशि पर किया जाता है। इसे ब्याज का संयोजन अथवा चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज का परिकलन 8% ब्याज की दर से हिना 2 वर्ष के लिए 20,000 रुपये उधार लेती है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज एवं उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। असलम ने अध्यापक से पूछा कि क्या इसका अर्थ यह है कि उन्हें प्रत्येक वर्ष का ब्याज अलग अलग ज्ञात करना चाहिए। तो अध्यापक ने कहा हाँ, और उसने निम्नलिखित चरणों का उपयोग करने के लिए सुझाव दिया। 1, 1 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। मान लीजिए प्रथम वर्ष का मूलधन P1 है। यह P1 = 20,000, SI1 =
8% वार्षिक दर से प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज होगा गुना 20,000 गुना 8 विभाजित 100 यानी कि 1600 रुपये। दो, तत्पश्चात भुगतान की जाने वाली अथवा प्राप्त की जाने वाली राशि याद कीजिए, यह दूसरे वर्ष के लिए मूलधन बन जाता है। प्रथम वर्ष के अंत में राशि P1 अधिक SI1 बराबर 20,000 अधिक 1600 बराबर 21,600 जो कि दूसरे वर्ष का मूलधन है। तीन, इस राशि पर दूसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए, SI2 बराबर 8% वार्षिक दर से दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज बराबर 21,600 गुना 8 विभाजित 100 बराबर 1,728। चार, दूसरे वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली अथवा प्राप्त की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए, दूसरे वर्ष के अंत में राशि बराबर P2 अधिक SI2 बराबर 21,600 अधिक 1728 बराबर 23,328। कुल देय ब्याज बराबर 1600 अधिक 1728 बराबर 3,328। रीता ने पूछा कि क्या ब्याज की राशि साधारण ब्याज के लिए भिन्न होगी। अध्यापक ने उसे 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालने के लिए और स्वयं अंतर महसूस करने के लिए सुझाव दिया। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 20,000 गुना 8 गुना 2 विभाजित 100 बराबर 3,200। रीटा ने कहा कि चक्रवृद्धि ब्याज के कारण हिना को 128 रुपये का अधिक भुगतान करना पड़ेगा। आइए अब हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर देखते हैं। 100 रुपये से शुरू करते हैं। चार्ट को पूरा करने का प्रयास कीजिए। ध्यान दीजिए कि 3 वर्ष में साधारण ब्याज से प्राप्त ब्याज 130 माइनस 100 बराबर 30, चक्रवृद्धि ब्याज से प्राप्त ब्याज 133.8 माइनस 100 बराबर 1। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए सूत्र का निर्माण करना, ए इक्वल्स टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस इन ब्रैकेट आर डिवाइडेड बाय 100 ब्रैकेट कंप्लीट रेस टू द पावर एन एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू ए माइनस बी। उदाहरण, 12,600 रुपये का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजक होता है। दर का वार्षिक अथवा अर्धवार्षिक संयोजन, उदाहरण 10,000 की राशि का 1 वर्ष और 3 महीने के लिए 8.5% वार्षिक दर से निवेश करने पर चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र के अनुप्रयोग। एक टीवी रुपये 21,000 में खरीदा गया। 1 वर्ष के पश्चात टीवी का मूल्य में 5% अवमूल्यन हो गया। 1 वर्ष पश्चात टीवी का मूल्य ज्ञात कीजिए। उत्तर, मूल्य 21,000 रुपये, अवमूल्यन 21,000 गुना 5 गुना 1 विभाजित 100 यानी कि 1,050 रुपये। 1 वर्ष बाद टीवी का मूल्य बराबर 21,000 माइनस 1,050 बराबर 19,950। तो बच्चों, यह चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। अब हम उपयुक्त प्रश्नों के अतिरिक्त प्रश्न हल करेंगे जो आप अपने पुस्तक में लिखेंगे। तो प्रश्न इस प्रकार है। एक, जब 25% छूट दी जा रही थी तो राहुल ने एक स्वेटर खरीदा और उसको 30 रुपये ज़्यादा में बेचा, तो बताइए छूट से पहले स्वेटर का मूल्य क्या था। दो, अगर एक आलमारी को 4,000 रुपये में खरीदा गया और 5,000 रुपये में बेच दिया गया तो हमें लाभ होगा या हानि, साथ ही साथ लाभ और हानि का प्रतिशत बताइए। तीन, एक कक्षा में 20 बच्चे हैं, उनमें से 15 लड़कियां हैं और 5 लड़के हैं, बताइए लड़कों से लड़कियों की संख्या कितनी होगी, अनुपात और साथ ही साथ प्रतिशत भी निकालिए। एक, वास्तविक मूल्य का 25% बराबर 30, माना हुआ मूल्य है पी, पी का 25%, 25 विभाजित 100 गुना पी बराबर 30 यानी कि पी होगा 120। दो, अलमारी खरीदने की रकम है 4,000 रुपये,
अलमारी बेचने के लिए 5,000 रुपये। यह विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा है, इसलिए हमें लाभ हुआ है। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए पहले हम क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटा देंगे। 5,000 - 4,000 = 1,000। इसमें लाभ प्रतिशत होगा 1,000 / 4,000 × 100 = 25%। 3, लड़कों से लड़कियों की संख्या होगी 5:15 = 5/15 = 1/3। इसका प्रतिशत होगा 5/20 × 100 = 25%। बच्चों, यह था आज का पाठ। आशा करती हूँ कि आप सबको खूब मजा आया होगा। आज की कक्षा यही समाप्त हुई। अगली कक्षा में मिलते हैं एक नए पाठ के साथ। धन्यवाद।